बहुत दिन से बोल रही है शू चेंज करना, कौन सा पहनू, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है और एक इधर है ट्रंक का, तो बीच में ये हेविल्स का फैन कहाँ से आ गया पता नहीं। तो इधर सब मेरा ही सामान जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ मम्मी अलग से इधर रखी है, और नीचे वाला क्या है, ये शायद कोई वीडियो प्लेयर, इधर क्या लिखा है वीडियो स्ट्रीम, अच्छा वीडियो प्लेयर अमेज़न से शायद कुछ मैं लिया था वही होगा। तो वाइट स्नीकर्स इसमें होना चाहिए शायद, इसी में रुको ये पहले खोलता हूँ, इसी में होना तो चाहिए, मम्मी बहुत दिन से ही बोल गया वाइट स्नीकर निकालने के लिए, तो खुल भी जाए यार। हाँ मिल गया, तो यही पहनता हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सबसे पहले मीट कराना चाहता हूँ, ये है हमारे अक्षय भाई और पीछे बैठा है मेरा परम मित्र मतलब फैजान। तो काफ़ी दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कहीं जाएंगे, तो आज जहाँ जाना था उधर तो जा नहीं रहे। सो पहले ही बता दो इट्स नॉट ए रैंडम ब्लॉग, हम लोग मतलब सब कुछ मतलब जहाँ जाना है आज एक्चुअली बता ही देता हूँ हम लोग, आज एक्चुअली हम लोग जा रहे स्कूल टूर। तो सबसे मतलब मेरे यूट्यूब में सबसे पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया था वो तो आप लोगों ने देखी ही हो, अगर नहीं देखे हो तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कुछ क्या बोलना था, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात भी अपलोड करना है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्चुअली व्लॉग बनाऊंगा कम से कम 5 से 6 दिन हो गए व्लॉग और बनाना हो ही नहीं रहा है, तो एक्चुअली मेरा ही टाइम नहीं हो रहा था। तो जब भी मैं भाई को कॉल करता था, ये है अपना अक्षय भाई, तो जब भी मैं भाई को कॉल करता था एकदम मतलब रेडी रहते थे हमेशा, जब भी कॉल करता हूँ कि भाई फ्री हो तो बोलते कि जे तू बस 5 मिनट रुक मैं नीचे ही, तो मतलब ऐसा ही सीन है। और पीछे जो देख रहे हो ये बंदर जैसा हम शक्ल जो है, तो मतलब इसको मैं मतलब ऐसे ही मुझे कहीं अकेला मतलब जाने का एकदम मन नहीं करता है, उसको लेके ही चलता हूँ। और मतलब कहीं पर भी मैं जाता हूँ चले मतलब भले ही वो ट्यूशन हो या जो भी हो, तो किसी का ना किसी को लगता ही है, तो मतलब ऐसे ही अकेला जाता हूँ यार मज़ा नहीं आता। सो आप लोगों से सबसे पहला बात मतलब बहुत ही खुश हूँ क्योंकि 2020 ख़त्म होने वाला है और बस कुछ वीक्स और कुछ दिन बाकी है, उसके बाद तो पूरा मचाएंगे नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर। तो उसके बाद मतलब सबसे घटिया गया मेरा 2019 एकदम मतलब टेंथ का, और 2020 तो छोड़ी हो मतलब 2020 में यार जो नहीं होना था वही हो चुका। नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, उसके लिए गर्लफ्रेंड चाहिए और जो कि मेरे पास है ही नहीं और चाहिए भी नहीं। नो गॉड प्लीज नो। तो अभी तो जा रहे हैं हम लोग, मतलब क्या करेंगे कुछ पता नहीं, पता मतलब यही है कि जाएंगे सबसे पहले स्कूल टूर करवाना है, बाहर से ही दिखाना है, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि स्कूल इज गोइंग ऑन, मतलब ऐसे ही सारे टीचर गए हैं। तो देखते हैं, तो आज जैम उतना है नहीं, वेदर भी अच्छा है, मतलब पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मतलब मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस ये वो, तो यार टाइम निकालना मुश्किल ही हो रहा था, मुश्किल नहीं का मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और सबसे मतलब फालतू चीज़ क्या है ये वेदर, एक तो बहन तो इतना मतलब ठंडा पड़ा है ऊपर से इतना फॉग तो जाता ही नहीं है। सो इसीलिए मतलब यही सोच के रखा था कि जिस दिन मतलब एकदम वेदर अच्छा रहेगा उसी दिन जाएंगे। इस कैमरे पर है, हाँ तो चलिए आगे आप लोग से बात करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, ओ हाँ एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गया था कि यार बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मतलब दिसंबर में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि एक तो सोचा था ये मतलब कम से कम 4 ब्लॉग में सोचा था ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग का मतलब जो एग्ज़ाम था वो होने ही वाला नहीं था, मतलब एकदम डायरेक्ट न्यू ईयर में होना था, तो इसीलिए पता नहीं ये प्रिंसिपल ने क्या नया लगाया।
गया, तो एनीवेज मतलब वो सब तो चलेगा ही, साथ में रुमाना भाई का ब्लॉग भी आएगा, लेकिन जब भी आएगा एकदम धासु फारूदार एकदम ऐसा ही आएगा। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और मैं आप लोग से मिलता हूँ एकदम डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन। तो यहाँ से ये मतलब हम लोग का स्कूल के सामने ही पड़ता है, सामने नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये है जेवियर्स, तो दिखा रहा हूँ। ये उसका एंट्री गेट, इसके बारे में बहुत सुना है और जैसे कि देख सकते हो स्कूल कम से कम हाँ बहुत ही बड़ा है। गाइस ये पीछे देख सकते हो हमारा स्कूल, तो अच्छे से मैं एकदम पूरा क्लीन से दिखाने वाला हूँ, मतलब यहाँ से जितना हो पाएगा मैं उतना ही दिखा रहा हूँ। एक्चुअली स्कूल चल रहा है और हम लोग आए हैं और इसका पसीना छूट रहा है क्योंकि अभी स्कूल चल रहा है और बाहर टीचर आए हैं, मतलब ग्राउंड में ही है, तो जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग पहले देखिए उसके बाद कमेंट करना, भाई डर भी लग रहा है कोई टीचर देख रहा है, ऐसे ही है। अच्छा तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो गाइस नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो ये है अपना गेट, देख ही सकते हो। तो गेट जो भी हो स्कूल बहुत ही बड़ा है, तो मैं दिखाता हूँ वहाँ से स्टार्ट होता है। ये है अपना एंट्रेंस, कौन आ कौन रहा है, तो ये अपना साइकिल स्टैंड है। और यहाँ तो गाइस मैं इधर लास्ट एकदम मतलब लास्ट आया था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब कम से कम 10 महीने के बाद आ रहा हूँ। तो ये है अपना जगह जहाँ मतलब छुट्टी होने के बाद यहाँ से पता लिखा, तो जहाँ पे अपना छुट्टी होने के बाद हम लोग यहीं खड़े होते थे ऑटो के लिए बस के लिए जो भी आता था हम लोग जाते थे। तो मतलब पूरा बदल नहीं गया, बस वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा जो मतलब पहले, मतलब जब स्कूल छुट्टी होता था उसके बाद हम लोग आते थे, तो वो दिन भी बहुत मिस कर रहा हूँ। तो इधर पहले इतना गाड़ी भी नहीं था, तो कम से कम 4-5 का तो पूरा घर के सेल्फी भी लगा हुआ है। बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। इसका हालत खराब है सच में गाइस, देखो इसका जस्ट हालत लिटरली हालत खराब हो रहा है इसका।
seriously, what the fuck are you doing? टीचर बाहर निकल गए से वो, that's why. और अभी चल गए हैं, कोई नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं बोला था संडे को आने के लिए, नहीं मैं तो ये वेदर भी उस दिन इतना खराब हो गया था इसलिए निकला ही नहीं, तो इसका तो कसम से भी बुखार आने वाला है. तो आज उतना नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ आप लोगों को दिखा रहा हूँ. और इसी टाइम सारे टीचर को बाहर आना जरूरी है क्या? कहाँ कोई और टीचर आ रहा है? वो कौन आ रहा है? कंप्यूटर सर. टीचर नहीं है, कोई काम करने वाला है. अच्छा तो करना, वो आदर्श लग कहाँ गया? सामने होगा, बाहर से अंदर देख, पता होगा? पता नहीं, तू चुप ना, इतना टेंशन मत ले, थोड़ा बहुत देख पाता होगा, ज्यादा नहीं. तो और एक क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसमें अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो हम लोग और एक बार उधर जा रहे हैं, वहां से यू टर्न मारेंगे और डायरेक्ट एक क्लिप ही लेंगे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, तो देख लेना आप लोग. तो चलिए वाला एंजॉय कर. मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे, करेंगे धोखा खोले हम दे. मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने संडी तू सिंपल क्यूट है, सपने घर फट से लूट ले, जैसी बंदी चाहिए थी तू वैसी दिख रही है, फूल मीठे सामने तेरे चैटिंग में क्या लिख रही है, क्या तो दिख रही है, कोई भी देख के